अरे 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 लैंड 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 करा करा दे, दे। ठीक है, है? लेके जा रहा पानी के अंदर थोड़ा कराना था। और इस प्लेन को तो धूपा तो चलेंगे नहीं नहीं मैं तेरे साथ नहीं चलने वाला तू अकेले जाइय तू सिंध आज तेरा बर्थडे कल

गाड़ी खरीद ली थी आपने मेरे लिए अरे गाड़ी नहीं खरीदी सिंह आज हम जाने वाले पिकनिक पर वो भी तेरे सारे के सारे के दोस्तों के साथ ये तो मेरे सारे के सारे दोस्त है हाँ सिंह तेरे सारे दोस्तों को मैंने बुला लिया और ये खतरनाक सी गाड़ी भी बुला ली है जिसमे हम चारों पाँचो मिल के जाएंगे पिकनिक परिवकी में क्या पिकनिक पर अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है मुझे पिकनिक पर जाना तो बहुत ही पसंद है मजे आए हाँ चैन बहुत ही ज्यादा मजा आएंगे तो क्या सब बच्चे तैयार हो हम तो तैयार हैं मैं भी तैयार हूँ मैं भी तैयार हूँ अपने नन्हे को दीदी को नहीं बुलाया क्या क्या दीदी को मेरी फैक्की भी नैने को दीदी भी तो मेरे दोस्त है उनको अपने अरे यारूल तो ही क्या मेरी फैंकी भी जाऊँगा नैने को, को बुला के लाओ अरे कायजर बिना एक काम करो तुम चारों मिलकर पिकनिक का सामान तैयार करो मैं नैने को दीदी को लेके आता हूँ फैंकी में तो काब तक और उसके दोस्त यार तैयारी करते अपनी पूरी पिकनिक में जाने की मैं पढ़ाओ बढ़ नो दीदी को बुला के लाता हूँ ये सिंचे बोल रहे नन्हने को दीदी के बिना जाएगा नहीं तो अभी अपन को जाना पड़ेगा नन्हे को दीदी ये घर

चलो शिनचैन ने आपको बुलाया है आज हम पिकनिक पर जा रहे हैं शिनचैन का तो बर्थडे है ना मुझे पिकनिक पर चलना है हाँ तो चलो फटाफट से चलते हैं रुको रुको फ्रैंकलिन क्या हो गया मेरा पति मुझे जाने नहीं देगा पिकनिक पर शिनचैन के साथ क्या आपका पति भी है आपकी शादी हो रखी है हाँ फ्रैंकलिन मेरी शादी हो रखी है मेरा पति मुझे जाने नहीं देगा अरे तो फिर मैं शिनचैन को क्या बोलूंगा शिनचैन को बोल देना नहीं आ पाएगी अरे पर आप नहीं चलोगे तो शिमचे पिकनिक पर नहीं जाएगा आपको चलना पड़ेगा कोई को चाय बिना दे ए तू कौन है बे काले लड़के ये है मेरे पति क्या ये आपके पति हैं ये तो बहुत ही खतरनाक है ए लड़के क्या हो गया मेरी बीवी से क्या बात कर रहा है आ, ह, ह, हेलो सर आ, आप को तो जानते हैं वो बच्चा जो हमें पूरा टाइम परेशान करता रहता है है वो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा अरे वो इधर नहीं नहीं है मैं बताने आया था की वो बच्चा बहुत शरारती है उसके साथ आप रहना मत हम नहीं रहेंगे चल भाग जाए यहाँ ऐसी वो मैं बोल रहा था क्या मैं नैया को दीदी के साथ पिकनिक में

चलो चलो। तो दीदी हमारे साथ बैठ चुकी और अभी हम जाने वाले फटाफट अपने घर पे और सिंचैन का बर्थडे आज मनाएंगे सिंचैन का बर्थडे मनाने ऐसी आज हमें कोई नहीं रोक सकता मैंने को दीदी का पति भी नहीं चलो फटाफट तो चलते है सर अभी हम घर पे पहुँच गए और ये क्या लगता है इन्होंने सारी की सारी तैयारी कर दी है सिंह मैंने दीदी को ले आया दीदी आ आ आ गई 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 पानी की बोतल फुटबॉल बास्केटबॉल खाने का सामान और भी सारे टेंट वेंट सबका सब पैक कर दिया है तो क्या सब तैयार हो चलने के लिए बिल्कुल तैयार चलो चलो तो फटाफड़े सारा का सारा सामान गाड़ी में डालो और चलते पिकनिक पर चलो चलो फटाफट सब के सब गाड़ी में बैठते चलो तो सारा सामान तो हमने डाल दिया है अब फटाफट पड़ सारे लोग बैठेंगे हमारे साथ गाड़ी में और आज हम जाने वाले पिकनिक बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला वा है जल्दी चलो अरे रुक तो जा सबको बैठने दो दे पड़ाफट पड़ से लिटिल सिंगम की बारी लिटिल सिंगम बैठो तो गाय सर अभी सारे के सारे लोग तैयार है नरेंद्र दीदी हमारे साथ बैठ चुके है सिंह लिटुल सिंगम मिट्टू और हमारा बेबी हल सभी के सभी जने बैठ चुके हैं और हम जाने वाले

आपको तो याद दिए अगले सात दिन तक रोज सिंह का बर्थडे मनाने वाले तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा तो आपको अगले सात दिन तक रोज कमेंट करना पड़ेगा जो भी उसको मेरी तरफ से एक्शन कमेंट का खिलौना मिलेगा कब तक पहुँचेंगे कितनी देर लगेगी सिंह बस हम पहुँचने वाले सिर्फ पाँच तक गिनती गिन ठीक है में पाँच चार तीन दो एक अरे थोड़ा धीरे धीरे गिन फैकी भी पाँच चार तीन, एक। और सिं हम लोग पहुंच गए जहाँ पे हम बनाने वाले अपनी पिकनिक पानी में रहे हो अबे सिंह की पानी बहुत ही ज्यादा कम है तो गाय सर हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे हम बनाने वाले अपनी पिकनिक ये देखो इस लेक पर बहुत ही खतरनाक है अरे ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे अरे यहाँ पे तो बहुत ही मजा आएगा चलो पानी में चलो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है के बर्थडे का सबसे पहला तो कह सर इस पानी में शिंत का बर्थडे मनाने वाले और यहाँ पे अपने टेंट वेंट लगाएंगे और यहाँ पे सब खेलेंगे आग वाग लगाएंगे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा चलो बढ़ाओ बढ़ सारा का सारा सामान निकालते हैं और टेंट लगाते हैं तो कह सर जब तक वो सब लोग यहाँ टेंट वेंट लगा रहे तब तक मैं लेने के

गाने बजा पाएंगे तो बहुत ही स्मार्ट हो तो स्पीकर भी लेके आई हो चलो गाने बजाते हैं, चलो गाने बजाते हैं। गुरु पजामा बजाऊ चुका है जब तक ये लोग सब के सब डांस कर रहे तब तक लिटिल सिंगम और मैं जाने वाले इन सब लोगों के लिए खाना ढूंढने हमने सोचा जो घर से खाना लाए ना वो हम बाद में यूज करेंगे अभी हम जंगल में जाके खाना ढूंढेंगे और वो खाएंगे चलो लिटिल सिंगम फटाफट से चलते हैं और खाना ढूंढते हैं तो कहा हमें पेड़ों के ऊपर फ्रूट मिल सकते हैं भी में मछलियां मिल सकती है बात तो सही है मैं पानी में मछलिया मिल सकती है और सामने से देख दो बिल्कुल झरना बह रहा है बहुत ही ज्यादा मस्त तरीके से और यहाँ पे देख देख क्या पता इस पेड़ पे हमें कुछ मिल जाए आजा फटाफट ऐसी लिटिल सिंगम तो क्या इस पेड़ पे हमें कुछ मिलेगा मुझे तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई दे रहा अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो फटाफट से कमेंट कर देना मुझे लगता है हमें यार फिशिंग ही करनी चाहिए फिशिंग में जल्दी से मछलियां मिल जाएगी भैया फिशिंग में मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ मैं फिशिंग कर सकता हूँ तो एक काम करते हैं लिटिल सिंगम तो यहाँ पे फिशिंग कर ले और मैं जाके फ्रूट ढूंढता हूँ भैया okay, yeah. तो ख्वास है सिंगम को हमने यहाँ पे काम पे लगा दिया फिशिंग के और हम जाने वाले जंगल के अंदर फ्रूट ढूंढने लिटिल सिंगम फिश ढूंढ लेगा और मैं बहुत सारे फ्रूट ढूंढ लूंगा चलो बराबर बड़ से ढूंढते पे मिलेंगे हमें अरे यार यहाँ पे भी एक भी फ्रूट नहीं है कहाँ मिलेंगे फ्रूट सारे के सारे पेड़ लगता है चेक करने पड़ेंगे क्या इधर फ्रूट है इधर भी फ्रूट नहीं है इधर भी फ्रूट नहीं है

तो का सर फ्रूट्स हमने ले लिए हमको एप्पल बनाना और वाटरमेलन मिल चुका है चलो फटाफट इनको लेके चलते हैं हमारे साथियों जहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ है और उनको ऐसा दिखाएंगे की फ्रूट हम खुद तोड़ के आए अरे देखो देखो मैं कितने सारे फ्रूट ले अरे तुम अभी तक डांस कर रहे हो गाने बंद करो मैं फ्रूट्स ले आया विकी में कितने सारे फ्रूट कहां से मिले और उसी पेड़ों से मैं सारे पेड़ों से ये फ्रूट तोड़ के आऊँ व्यक्की में खतरनाक हूँ तुम तो बहुत ही അറിയംബാ ഇതാശന വരെ വോട്ടോ യാ लिटिल सिंगम पर है अरे तो आपके साथ ही गए थे ना? गया तो मेरे साथ ही था पर वो गया कहा अरे अरे अभी तक लगता है, ये पकड़ रहा है मैंने उसको बोला था मछलियाँ पकड़ के आ जायो पर ये अभी तक आया ही नहीं है अब मुझे सिंगम को ढूंढना पड़ेगा पता नहीं कहाँ पर मिलेगा लिटिल सिंगम लिटिल सिंगम अरे कहा गया ये लिटिल सिंगम मैंने लिटिल सिंगम को इधर तो घोड़ा किया था पर लिटिल सिंगम

क्या मिल गया अरे मैं हूं अरे कैसे लगता है को मिल चुका है चलो फटाफट से चलते हैं सिंह आ रहा हूं मैं अरे ये लिटे सिंगम भी ना मैं उसको हर जगह ढूंढ रहा और ये सिंचन और के पास पहुंच गए और ये इतनी सारी मछलियां उधर क्यों पड़ी थी क्या लिटे सिंगम मछलियां ने लेके क्या लिटी सिंगम आ गया मैं अरे कहां चला गा 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 गाकी भैया देखो क्या हो गया अरे ये कौन है ये लिटे सिंगम को पकड़ के रखा इन्होंने भैया मुझे भैया। बच्चे तुझे कोई नहीं बचा सकता तू हमारी मछलियाँ पकड़ रहा था हम तुझे नहीं छोड़ेंगे हर अंकल पर हो क्या क्या और ये शार्क क्या क्या कर रही है ये बच्चा हमारी मछलियाँ पकड़ रहा था और उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया अरे सिंह मैंने देखो मछलियाँ पकड़ने की बोला किसी की बेटी को नहीं मेरी बेटी एक मछली है इसने मेरी बेटी को पकड़ लिया था क्या आपकी बेटी मछली है अरे अंकल क्या बोल रहे हो बेटी अरे ये क्या हो गया ये शार्क एक लड़की कैसे बन गई यही है मेरी बेटी इसने मेरी बेटी को पकड़ लिया था इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया है अरे ये तो जादू शार्क है ये तो लड़की बन सकती है बच्चे हम दोनों मछलियों की फैमिली से है पर हम इंसान भी बन सकते हैं और ये लड़का हमें पकड़ रहा था इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया है अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे इसको हम लावा में डाल के भुनेंगे फिर खाएंगे अरे भैया मुझे नहीं जाना मुझे बचा लो। तू तो टेंशन मत ले। अरे अंकल सॉरी सॉरी अब से वो मछली नहीं पकड़ेगा प्लीज उसको छोड़ दो हम इसे नहीं छोड़ेंगे इसने हमारे परिवार को परेशान किया है हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अरे अंकल छोड़ दो नहीं छोड़ेंगे अंकल प्लीज नहीं छोड़ेंगे अंकल प्लीज छोड़ दो छोड़ दो प्लीज अंकल छोड़ दो छोड़ दो अच्छा तुम सब बोलते हो तो मैं इसको छोड़ पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा बताओ hey, अंकल बोलो, बोलो, क्या, क्या? तो क्या, क्या काम है मेरी छोटी बेटी पिंकी को किन गुंडो ने पकड़ लिया है मैंने बहुत कोशिश करी पर मैं उसे बचा नहीं पा रहा उन कुंडो के पास खतरनाक खतरनाक है अगर तुम मेरी छोटी बेटी पिंकी को वापस ला के देते हो तो मैं सिंगम को छोड़ दूंगा अरे बस सी क्या। सुना नहीं। उनके पास खतरनाक खतरनाक वेपन है अगर तुम पिंकी को वापस लाओगे तो इस लेटिल सिंगम को वापस लेके जा पाओगे वरना हमेशा ये हमारे साथ रहेगा और हम इसको लावा में डाल के खाएंगे मुझे लावा में नहीं जाना प्लीज मुझे प्लीज प्लीज अच्छा ठीक है ठीक है रिटल सिंगम को लाओ मत डालना मैं आपकी बेटी को वापस ला के दूंगा पर वो मिलेगी कहाँ पे वो तो बताओ यहाँ से तीन हजार किलोमीटर दूर मेरी बेटी को उन्होंने पिंजरे में कैद कर रखा है तुम्हें उसे वापस लाना होगा सर अभी मुझे पता चल चुका है उनकी बेटी को कहाँ पर रखा है उस वाले वेयर हाउस में उसकी बेटी को रखा है और कहे सर बाहर देख सको कितनी सारी सिक्योरिटी है मुझे समझ नहीं आ रहा एक मछली को पकड़ने के लिए इतनी सारी सिक्योरिटी क्यों रख रखी है और कहा सर इधर से उनके पास बहुत ही खतरनाक खतरनाक वेपन भी दिख रहे हैं और गाइस सर मैं भी एक खतरनाक तो सिर्फ ये एक बचाना पड़ेगा ये देख सकते तो क्या? क्या? क्या उनके मुंह पे लाइट मार के उनको भ्योश कर दू ऐसा तो नहीं सकता पर अभी हम चुपचाप से उनके ऊपर आ चुके हैं उनको बिल्कुल पता भी नहीं चला है और कहा सर मेरे पास एक प्लान है या तो मैं इधर से कूद के इसको मार के फिर इसकी गल लेके इन तीनों को मार दू या तो फिर मैं एक एक का टकला फोड़ू इस फोड़ूट से मुझे समझ नहीं ना क्या करना चाहिए मुझे लगता है एक एक का टकला फोड़ूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा चलो फटाफट से से नीचे नीचे अपन चलने वाले चलो नीचे आ चुके अभी हम और सबसे पहले इसका टकला फोड़ने कहते हैं और कहते एक का टकला हमने फोड़ दिया किसी को पता नहीं चला इस टकले को भी मारते हैं और कैसे इसका भी टकला हमने फोड़ दिया और चुपचाप से इसके पीछे इसका भी टकला फोड़ेंगे और ये आखिरी जला बचाए इसका भी टकला फोड़ हैं ये ले और गाइस इनकी गन अभी मुझे मिल चुकी है और अभी हम घुसेंगे सीधा वेयर हाउस में और चो मिलेगा सबको मारेंगे थ्री टू वन भी देखेगा सबको मार दूंगा इन सारे टकलों को मार दूंगा वो पिंकी है इसको बिल्कुल सजा के यहाँ पे रख रखा है और सारे सिक्योरिटी गार्ड को हमने मार दिया है और ये डब्बा मिल चुका है फटाफट यहाँ से निकलते है इस डब्बे को लेके लेके चलते और हमारे लिटिल सिंगम को छुड़वाते है और एक सर लगता है बहुत ही बड़ी दिक्कत हो चुकी है

मैं तुझे बचाने आ चुका हूँ अंकल मैं आपका डब्बा ले आया इस डब्बे का मैं क्या करूँ मुझे मेरी बेटी चाहिए अरे अंकल डब्बा तो खोलो मेरी बेटी मेरी बेटी आ गई मेरी बेटी मुझे मिल गई अंकल आपने जैसा बोला था मैं नाम की बेटी ला गई थी अफरा सिंगम को छोड़ दो हाँ बच्चे अभी छोड़ता हूँ भैया तुमने मुझे बचा लिया शुक्रिया शुक्रियाम को बचा लिया अरे भाई आप शांति हुई आखिरकार हमने लिट्टू सिंगम को बचा लिया बच्चे तुमने अपने दोस्त के लिए बहुत ही अच्छा काम किया उसको बचाने के लिए तुम इतने सारे कुंडो से लड़ लिए मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देना चाहता हूँ क्या सरप्राइज कैसा सरप्राइज मच्छी मच्छम मचाई मच्छी मच्छम मचाई अरे ये क्या हो रहा है मच्छी बनोगे मच्छी बनोगे अरे मुझे मच्छी नहीं बनना मैं तुम्हें मच्छी नहीं बना रहा हूँ मैं तुम्हें ऐसी शक्तियाँ दे रहा हूँ तुम किसी भी चीज को टच करोगे तो वो डायमंड की बन जाएगी ओ मच्छी मचाई मच्छम मच्छम मच्छी बच्चे अब तुम किसी भी चीज को टच करोगे तो वो डायमंड की बन जाएगी क्या ऐसा सही में होता है क्या अरे सिंह ने क्या बोल रहे हैं करके देखू, कर देखू रुका भी कर देता हूँ हमारी बस को टच करके देखते हैं तो तो डायमंडी तो और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है हमारी गाड़ी अभी डायमंड की बन चुकी है रुको रुको मुझे एक और बार टेस्ट करना है इस वाली गाड़ी पे टेस्ट करते हैं थ्री टू वन और कॉ सर ये गाड़ी भी पूरी पूरी चेंज हो चुकी है डायमंड ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है बच्चे सिर्फ गाड़ी नहीं किसी भी चीज वस्तु को टच करोगे तो वो भी डायमंड की बन जाएगी क्या रुको मैं स्टैंड को टच करके देता हूँ थ्री टू वन अरे सर ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है हमने स्टैंड को टच करके बना दिया डायमंड का ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है अंकल चलो बच्चे मेरा काम हो गया तुम अपनी पिकनिक एंजॉय करो हम चलते हैं बाय बाय तुम जो सारे अंकल दीदी सबके सब बन चुके वापस से मच लिया और मुझे मिल चुके खतरनाक पावर्स में किसी भी चीज को टच करता हूँ तो वो डायमंड की बन जाती है की अब तुम कुछ भी कर सकते हैं हाँ हम तो कुछ भी कर सकते हैं मेरे पास एक आइडिया है तुम सब पिकनिक बनाओ मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज तो तुम आता हूँ तुम्हारा सिंचन का बर्थडे बहुत ही, ही ज्यादा स्पेशल करने के लिए मैं बहुत सारी डायमंड की चीजें लेके आने वाला हूँ सिंचैन के लिए और शिनचन उनको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा तू बुरा फट जाते के बहुत सारी

बहुत ही ज्यादा पसंद है तो प्लेन में घूमने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा हमारे पास डायमंडक से डायमंडर तो तो पर हेलीकॉप्टर में घूमने का मजा कुछ और ही है। इसलिए दो दो डायमंडलीकॉप्टर शिम जैन के लिए घूमेंगे तो एक हेलीकॉप्टर में मैंने को दीदी तू जन जाना और दूसरे हेलीकॉप्टर में हम चारों जन आ जाएंगे

हवा में तो उड़ लिया हमने प्लेन और हेलीकॉप्टर से अब बारी बोट की क्योंकि कभी पानी में जाने का मन हो तो ये बोट काम आएगी ये खतरनाक सी तो दो दो डायमंड की बोट्स सोचो डायमंड की बोट पानी में चलाने में में कितना ज्यादा मजा आएगा पानी में चल लिया हवा में चल लिया अब बारी रोड की तो क्या सर की फेवरेट कार एस्टन मार्टिन वो भी डायमंड की तो क्या इस एस्टन मार्टिन को खरीदने के बाद मैंने इसको किया डायमंड का और ये सिंह की फेवरेट कार है मेरी फेवरेट कार नहीं देखिए ट कार है क्या नैना को दिदी की मुझे लगा तेरी फेवरेट है नैना को जिंदगी जो फेवरेट होती है वो मेरी भी फेवरेट बन जाती है हाँ, ये गाड़ी तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मैंने को दीदी और सिंह दोनों तो की फेवरेट है और कहा आखिरी में ये इतने सारे डायमंड तो मैंने यार बहुत सारे पत्थर खरीदे फिर उन सबको टच किया और वो डायमंड का बन गए और कहा अभी आप देख लीजिए पूरा का पूरा डायमंड यहाँ पे हो चुका है और ये सारा डायमंड हम पांचों छह के बीच में बटेगा मतलब बेबी हल को भी डायमंड मिलेगा और मिंट को भी डायमंड मिलेगा मैने को भी डायमंड मिलेगा लिटिल सिंगम को भी डायमंड मिलेगा और को मिलेगा तुम सब ये डायमंड ले सकते हो एनी पे कि

Bye bye!